प्ले सेफ जोन, ये इतना बड़ा डेंजरस सिम्टम है। यही सिम्टम की वजह से आज ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक लेवल से ऊपर के लेवल में शिफ्ट नहीं हो पाते। इस कैटेगरी के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो करेज लेस लोग होते हैं, जिन्हें कोई हिम्मत हिम्मत आने की चीज़ नहीं होती, कोई हिम्मत नहीं होती। रात को लेट नाइट फेसबुक के अंदर सर्च ऑप्शन के अंदर जाके अलग 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 नाम सर्च करते हैं, अलग अलग नाम सर्च करके उनको अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं, हाय हेलो डू यू नो मी आई नो यू, अलग अलग तरीके से अप्रोच करके वो लोग ये सोचते कि लाइक से 12 लोगों को अप्रोच किया, 12 में अगर एक का भी रिप्लाई आया ना, तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील करते कि बहुत जितना मेहनत किया था वो सक्सेसफुल हो गया। और आज स्नैपचैट आ गया है, स्नैपचैट आते ही मैक्सिमम यूथों का जो मेंटल डाइवर्जन था ना, वो शिफ्ट हो गया, बिकॉज दुनिया भर की इंटीमेसी वाली बातें सिर्फ स्नैपचैट के अंदर होती है, चैट सेव नहीं होते। दिस व्हाट वी डू एक्चुअली, अलग अलग अप्रोच किया, ये किया वो किया, क्या कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, आई नो अपनी शक्ल देखो एक बार कि तुम क्या हो, जो हरकतें करते हो क्या हरकतें कर रहे हो। इट रिक्वायर्स यू नो वन ब्रेव हार्ट टू स्टे लॉयल विद वन पर्सन और वन फैमिली, तो हमारे अंदर नहीं है। हमें हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, मेरी अहमदाबाद की स्ट्रीट्स पर, तो कभी बार फेसबुक पर, तो कोई बार इंस्टाग्राम पर। फॉर अ मोमेंट लेट्स से अगर एक अपॉर्चुनिटी के अंदर से किसी ने रिप्लाई कर दिया तो बात खत्म, बाद में सब लोग यू नो 300 वाली फीलिंग अंदर से ला रहे हैं, जब तक अच्छी नहीं होगा तब तक मेहनत करेंगे। और ये सारी चीजें करके हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और लोगों के सामने ये दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं। हर एक यूथ की दो इमेजेस होती है, एक जो अपने माँ बाप को दिखाते हैं, दूसरी जो अपने दोस्तों को दिखाते हैं। और ये दोनों इमेजेस के अंदर जितना गैप रहेगा, जितना गैप, उतना ही लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। प्ले सेफ जोन। सर एक जनरल चीज पूछना चाहूंगा, आप ऐसे कितने लोगों की इनकम हर महीने की 25,000 से नीचे हाथ ऊपर करो, कितने लोगों की 25,000 से ऊपर है? ओके चलो अभी इसी वक्त मैं आप लोगों को एक ऑफर देता हूँ, अभी इसी वक्त ऑफर देता हूँ। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट के अनुसार आपको 25 लाख रुपए का लोन, 25 लाख रुपीज का लोन जो है ना, वो सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। मैं अभी इसी वक्त एक साइन से आपको 25 लाख रुपये दिला सकता हूँ। बताओ आप में से कितने लोग अभी इसी वक्त अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार है और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है? गिने चिने क्या दो हाथ ऊपर हो रहे हैं? क्या वो डर लग गया क्या? क्यों हाथ ऊपर नहीं हुआ? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरे वर्ड सुन के भी अगर एक छोटा करेज कि चल यार रिस्क लेते हैं, अगर हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, जो लोग एक्सट्रीम लेवल पर है वो हर रोज अपने जिंदगी के साथ, अपने अपनी लाइफ के साथ, कभी अपने परिवार के साथ, अपने बिजनेस के साथ, दुनिया भर का गैम्बलिंग कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। अगर मुझे सुनकर भी अगर हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कैसे करेंगे, 6% ये है, अरे जो होगा वो देखा जाएगा, एक बार कूदो तो सही, एक बार ट्राई करो तो सही, बाद में पता चलेगा ना कि अपना लेवल क्या है। करेज को बहुत सिंपल वे में डिफाइन करता हूँ कि जो लोग 18 साल से नीचे वाले लोग हैं, 1% भी रिस्क मत लो, अपना सारा टाइम सारा एनर्जी थोड़ा सा लर्निंग जोन के अंदर डालो। 18 से 24 साल के बीच वाले लोग मेरी 70% टाइम लर्निंग के अंदर डालो, 30% टाइम रिस्क जोन के अंदर डालो। 23 से ऊपर ऑलमोस्ट 40 तक जितने भी लोग हैं, पागलों की तरह रिस्क लो, पागलों की तरह रिस्क लो, बिकॉज यही आपकी एज है जहां पर आपका माइंड, आपका एनर्जी, आपका बॉडी, आपका माइंडसेट, सब चीज 100% एक्टिव है। जितना रिस्क लेना चाहते हो, जो लेवल पर रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क लो, बिकॉज अगर ये एज के अंदर रिस्क नहीं लिया, अगर लाइफ का जो रियल क्वालिटी पीरियड है आपकी एनर्जी का, आपके माइंडसेट का, आपके थॉट्स का, वो चला जाएगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा। 40 क्रॉस कर लेते हो, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम कर दो, अभी 10% 20% रिस्क लो, उससे ज्यादा रिस्क मत लो। आप बोलोगे साधन आपकी सारी बात सही है, लेकिन वो रिस्क लेने वाला जो
फील है वो अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हो। आप लेट्स से ऑडिटोरियम के अंदर भी आए ना, आप लेट्स से ऑडिटोरियम के अंदर भी आए ना, कैसे भी आए, कार से आए, बस से आए, स्कूटी से आए, एक्टिवा से आए, बाइक से आए, जैसे भी आए, वो भी एक रिस्क ही था लेकिन लिया ना। अब कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस है या नहीं, इट्स अबाउट आप जो सांस ले रहे हो ना वो इस दुनिया के लिए रिस्क है। तब तक छोटे छोटे रिस्क लेना स्टार्ट नहीं करोगे कभी भी चीजें चेंज नहीं हो जाएगी। लेट मी गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, लेट्स से अहमदाबाद से बॉम्बे का अपने फ्लाइट का टिकट बुक करवाया, ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फ्लाइट है। अब आप 8 बजे का फ्लाइट है, लेट्स से आप 7 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब आप में से कोई ऐसा है कि एयरपोर्ट पर पहुंच के ऐसा सोचेगा कि यार ये प्लेन जैसे नीचे लैंड हो रहा है ना, अगर नीचे लैंड होते होते कुछ गलती कर प्लेन क्रैश हो गया तो? जाओ कि ना जाओ, गया और फुटा सीधा हो गया तो? अब बोले कि अरे उसको हम ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। लेट्स से आप में कोई ऐसा है कि लेट्स से प्लेन के अंदर बैठा, ओके 45 मिनट्स का जर्नी है अहमदाबाद टू मुंबई, विंडो सीट पर बैठा और कंट्रोल से 40 मिनट्स से नीचे देख रहा है, ये गिरे गिरे ना, ये गिरे गिरे ना, गिरे गिरे ना। आप बोलोगे पागल हो? हमको ट्रस्ट है, जो पायलट प्लेन को चला रहा है वो एक्सपीरियंस पायलट है, उसको पता है कैसे टेक ऑफ करना, कैसे लैंड करना। अगर एक मॉडल पायलट पर इतना ट्रस्ट रख के अहमदाबाद से बॉम्बे की जो 45 मिनट्स वाली जर्नी है उसको इतना पीसफुली जा सकते हो, तो हम सभी के जो एक्सटर्नल पायलट पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम पावर है जो, उन पर विश्वास रख के कि लाइफ में छोटे मोटे कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकते। भगवान आइडिया भी उसी इंसान को देता है जिस इंसान के अंदर उसको लगता है कि कैपेबिलिटी है कि उस आइडिया को रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करे, वरना भगवान किसी को आइडिया देता ही नहीं। हर एक आइडिया आपके दिमाग में जो आ रहा है वो एक प्रूफ है कि आपके अंदर पॉसिबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है चीजों को राइट प्रूव करने की। लेकिन जब तक आप उस आइडियाज पर काम नहीं करोगे चीजें कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। मजाक बनाओ अपना, हंसने दो लोगों को, गिरो। देखो जब तक आप कोई भी नया काम, कोई भी नई चीजें, कोई भी नए इनिशिएटिव लेना स्टार्ट नहीं करोगे और लाइफ को रूटीन में ही अगर मेरी चलती रहेगी तो रूटीन लाइफ रूटीन रिजल्ट ही देती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अचीव करने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ती है जो बहुत कम लोगों ने की, जो रूटीन लोग करते ही नहीं है। मेरी एक बार अपने आप को उस जोन के अंदर डालो, इंग्लिश नहीं बोलना भी आता तो एक बार बोलो, मार्केटिंग करना नहीं आता तो भी एक बार रेंडमली जाओ कहीं पर और अपने आप को देखो कि भाई कितनी बार चीजें ऊपर नीचे होती है। जब तक लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आप फ्लो नहीं करोगे जिंदगी जीने का कोई मीनिंग ही नहीं पता चलेगा। लाइफ का दूसरा नाम एक्सपीरियंसेस है। आप एक ही बार इस दुनिया के अंदर आते हो और कोई भी इंसान इधर ऐसा बेंच मार लेकर नहीं आया कि भाई तू अगर इस फैमिली के अंदर बॉर्न हुआ है तो तू इस लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक बार आए हो तो जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारी जिंदगी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, नहीं एक ऐसी जिंदगी जियो कि जिसके बाद लेट्स से अगर कहीं से भी पास हो रहे हो ना तो लोग देखकर ऐसा नहीं होने चाहिए देख ये आया इसके जैसा कुछ भी कर लेकिन इसके जैसा मत बनना। इसलिए कैसी लाइफ जियो कि कहीं से भी पास हो ना तो आस पास के लोग बोलने चाहिए अगर जिंदगी में कुछ करना तो इसके जैसा कर। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, वह आपका खुद का पर्सपेक्टिव है कि आप चीजों को कैसे देखते हो, चीजों को कैसे लेते हो और लेने के बाद अपने आप को क्या कहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को जो कहोगे आपका माइंड वही फीलिंग जनरेट करेगा और वही फीलिंग जो होगी एंड रिजल्ट फाइनल करेगा कि आप कौन से लेवल पर कहां पर पहुंचने वाले हो। 16 का स्टार्ट किया, आज मैं 25 का हूं। 9 years, 9 साल में सिर्फ एक ही चीज की है, ओके छोटे छोटे कैलकुलेटर रिस्क, छोटे छोटे कैलकुलेटर रिस्क, छोटे छोटे कैलकुलेटर। हिंदी में ढंग से बोलना नहीं आता था,
मैंने तीन शो मेरी लाइफ के, इट वाज अ बिग कॉमेडी शो, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ गुजराती हिंदी. मुझे खुद को पता नहीं चल रहा मैं क्या बोलता हूँ, पर पता था कि ठीक है ना, 100 लोग बैठे हंसेंगे मजाक बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक्सपीरियंसेस तो मिलेगा, क्योंकि एक घंटे के एटलीस्ट 30-35 मिनट तो प्रॉपर हिंदी बोल सकते हैं. वही चीजें है तो लाइफ के अंदर आपको अलग स्टेज पर ले जाएंगे. अच्छे कपड़े पहनने से आदमी का पर्सनैलिटी कभी भी नहीं दिखता, इधर से वो कैसा है, वो चीजों को कैसे लेता है. महात्मा गांधी सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते थे, आप अलग अलग ब्रांडेड मे बी 10,000, 5,000, 3,000 शूज पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, मे बी पैंट्स पहनोगे, बेस्ट ब्रांड्स के बेल्ट पहनोगे, बेस्ट ब्रांड के यू नो स्पेक्टेकल्स पहनोगे, व्हाट एवर इट इज. और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें करने से हम कहीं पर भी जाएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि यार क्या पर्सनालिटी है. और क्या पर्सनालिटी किनकी, एक सेकंड के लिए लगता है, जैसे मुंह से वर्ड निकलेगा ना पता चल जाएगा कि तुम कौन से लेवल वाले हो. मैं नहीं कहता हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि तुम अपने पैसे ब्रांडेड क्लोथ्स में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन जब तक लाइफ का कोई लेवल नहीं बना है, जब तक लाइफ के अंदर एक लेवल पर नहीं पहुंचे हो, तो जितना पैसा अर्न करते हो उतना पैसा खुद के डेवलपमेंट के लिए डालो ना. 5,000 का लेट्स से आपने एक शर्ट लिया, मैं कहता हूं 5,000 का शर्ट मत लो, 5,000 की जगह पर 1,000 वाला लो, 500 रुपए वाला लो, 800 रुपए वाला लो, बाकी का जो 4,000 बचा है वो काम करो, 4,000 के अंदर 2,000 रुपए की अलग अलग बुक्स परचेस करो, मे बी 1,000 रुपए का कहीं पर डोनेशन जाके करके आओ, बाकी की जो 1,000 बचे हैं करंट उसको सेविंग के अंदर रखो, क्योंकि टाइम आने पर कोई भी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हुई छोटी मोटी तो उसके अंदर काम आ जाएंगे. जो पैसा अर्न करते हो 27-30 टारगेट बना के रखो, उसके अंदर 60% पैसा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर जाना चाहिए. मेरे जैसे जितने भी लोग आपको कोई भी सिटी के अंदर दिखे, यूट्यूब में कहीं पर भी दिखे, सबको पूरा सुनो, बिकॉज़ आज इस देश के अंदर 1+1=2 सिखाने वाले हजारों इंस्टीट्यूट है. अभी नर्मदा इधर से जाती है, तापी इधर से जाती है, गोदावरी इधर से जाती है, ऐसा कहने वाले में भी हजारों इंस्टीट्यूट है. अगर वो नहीं दिए तो अगर पास गूगल मैप्स भी है, कुछ भी डालोगे मिल जाएगा. अकबर ने ये किया था, बिरबल ने ये किया था, हमारे एजुकेशन के अंदर में भी 12-15 साल सीख चुके हैं. जिंदगी को कैसे जीना, लाइफ के अंदर गिर के वापस कैसे उठना, फाइट बैक एटीट्यूड कैसे रखना, लाइफ का परसेप्शन कैसा होना चाहिए, सोच कैसी रखना, लोगों के साथ बात कैसे करना, अपने आप को डेवलप कैसे करना, लर्निंग जोन पर कैसे जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना, कंफर्ट जोन को कैसे तोड़ना. अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती, और ये सारी चीजें सिखाने वाले जो लोग हैं वो भर भर के यूट्यूब के अंदर पड़े हुए हैं. सबको सुनो, सबको सब्सक्राइब करो, कभी भी कोई भी नया वीडियो आता है देखो, चाहे कैसा भी वीडियो क्यों ना हो. देखो एक वर्स्ट से वर्स्ट आदमी भी आपको एक ऐसी अच्छी बातें सिखा सकता है जो आपको नहीं पता, बस वो देखने का परसेप्शन होना चाहिए कि यार इसके अंदर से ये चीज सीखी. जिस दिन सीखने का एटीट्यूड प्रॉपर जोन के अंदर डाल दोगे ना, उस दिन से चाहे लाइफ में फेलियर आए, कोई साथ में रहे कोई साथ में ना रहे, हर एक मोमेंट पे अपनी लाइफ को एक अलग स्केल पर ले जा सकोगे. छोटे छोटे कैलिब्रेटेड रिस्क लेना स्टार्ट करो, ठीक है 10 जगह पर जा रहे हो, 2 जगह पर ऐसी जाओ जो जगह पर जाने से भी डर लगता था, जाओ रिजेक्ट होके बाहर आओगे ना, रिजेक्ट होके बाहर आओगे तो पता चलेगा कि पहली बार ये गलती किया था, काम पर दूसरी बार जाते हैं ना तो अब ये गलती नहीं करेंगे. आई वॉज लाइक अराउंड 17 ईयर ओल्ड, मैंने डिसाइडेड हो गया मुझे एक्सट्रीम लेवल की कॉर्पोरेट के अंदर काम करना है, ना मेरा ड्रेसिंग अच्छा, ना मेरी स्पीच अच्छी, ना मेरे पास प्रॉपर ब्रोशर. मैं इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रेट अवे चला गया ये प्रपोजल के साथ, मैं आपकी कंपनी के अंदर काम करना चाहता हूं, मैं आपके एम्प्लॉयज को एक अलग लेवल पर शिफ्ट लेना चाहता हूं. जब मैं सब बोल रहा था मैं आपकी कंपनी के अंदर काम करना चाहता हूं, मैं आपके एम्प्लॉयज को मैं एक अलग लेवल पर ले जाना चाहता हूं, तो आदमी मुझे मेरे फोरहेड से लेकर टो तक पूरा स्कैन कर और हंसते हंसते एक ही चीज बोला, पहले खुद कुछ बन जाओ और बाद में आना इन लोगों को बताने के लिए. अब जब मैं बाहर निकला रहा तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ये सोचो कि भाई अपना कुछ होने वाला नहीं है, रिजेक्ट ही होता है, अपने पास कोई स्किल ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है, क्या इतनी बड़ी कंपनी रिजेक्ट कर दी अब क्या करेंगे, एक मैसेज सोचता. दूसरा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, यस रिजेक्ट किया,
3 साल के अंदर ऐसा लेवल लाके खड़ा करूंगा ना कि ये आदमी मुझे सामने से फोन करके बोलेगा साजन आपका कोई डेट्स है क्या, रिजेक्ट होना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। सेल्फ वर्थ पता चलता है कि अपना वैल्यू क्या है। अब जरे मैं यंगस्टर्स को देखता हूं कि एक इमोशनल पैच के अंदर 6-6 महीना 8-8 महीना अपने आप को डिप्रेशन जोन के अंदर डाल देते हैं और ये सोच लेते कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। देखो, लाइफ की ब्यूटी वैरायटीज के अंदर है। एक जगह पर ना हुई ना, दूसरी 7 बिलियन -1 अपॉर्चुनिटी अपने पास है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ना परमानेंट ना नहीं होती, एक ना सिंपली आपको एक ही चीज डिफाइन करती है कि करेंटली आप उतने लायक नहीं हो कि आप इस चीज को हैंडल कर सको या ले सको। जिस दिन मेरी आप अपने आप को उतना डिजर्विंग बना दोगे, वो चीज सामने से ना से हाँ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हर रोज ना को पकड़ के बैठे रहे, ना बोला, फोकस कर लेते कुछ नहीं होगा। फोकस शिफ्ट करो, बहुत कुछ हो जाएगा।